बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप सब हमेशा खुश रहें। अल्लाह पाक आप सब की दुआएं कबूल फरमाएं। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ दें, आमीन। वीवर, ये हमारे गार्डन में चेरी की ट्री है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारे गार्डन में 4-5 ट्री हैं जो फ्रूट्स की हैं, तो वो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये चेरी की ट्री है, इस पर चेरी लगी हुई हैं, कुछ पकी हुई हैं और कुछ अभी कच्ची हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे अपने गार्डन की ट्री शेयर करती हूँ जिन पर फ्रूट लगे हुए हैं। ज़्यादातर अभी कच्चे फ्रूट हैं, पके हुए नहीं हैं अभी। ये देखें, खूबसूरत भी कितनी लग रही है ये ट्री। कुछ हमने नई लगाई है ट्री और कुछ पुरानी है। वैसे आपकी ईद कैसी गुजरी है वीवर? उम्मीद है ठीक गुजरी होगी। हमारी भी ठीक थी। वैसे आजकल हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको अगर सोचें तो ईद की क्या खुशी है। बस हालात ठीक नहीं है अभी दुनिया में। बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक दुनिया के और हमारे मुसलमान बहन भाइयों के हालात ठीक हों, अल्लाह उन पर रहम करें, आमीन। ये एप्पल की ट्री है वीवर। ये हमारे नेक्स्ट डोर रहते हैं, इंग्लिश कपल हैं, तो ये उनकी ट्री है। तो आधी जो है ना हमारे गार्डन में आई हुई है, फेंस के ऊपर से हमारे गार्डन में आ गई है। तो उन्होंने हमें कहा है कि जब ये एप्पल जो है ना वो तैयार हो जाए तो आप खा लिया करें। तो वो जब ये एप्पल तैयार हो जाते हैं तो हम खा लेते हैं फिर। पर ये बहुत बहुत अच्छे नाइस एप्पल हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये जो है ना ये फिग की ट्री है। अंजीर जो होते हैं ना वो उनको इंग्लिश में फिग कहते हैं, तो ये फिग की ट्री है। ये हमने 4-5 साल हो गए लगाए हुए, पर एक फिग भी हमने इसका अभी तक नहीं खाया है। क्योंकि ये जो है ना इसमें फिग लगते हैं हर साल और थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर गिर जाते हैं। तो अभी जो है ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगर इस साल भी कोई फिग तैयार नहीं हुआ तो मैं इसको काट ही दूंगा, तो कोई और इसकी जगह ट्री लगा दूंगा। तो ये प्लम है, ये प्लम की ट्री है, इसमें बहुत प्लम लगते हैं। ये देखें कितने लगे हुए हैं, अभी ग्रीन है तो अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहे, और जब पकेंगे ना तो फिर अच्छी तरह नज़र आएंगे। क्योंकि जो फिग की ट्री है ना वो गर्म जो इलाके होते हैं ना उनमें ज़्यादा अच्छी होती है, और इधर ज़्यादा मौसम इतना अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए फिर इतने अच्छी तरह वो फिग जो है ना अंजीर वो लगते भी इतने नहीं, और जब लगते हैं तो वो ठीक पकते भी नहीं हैं। तो इसीलिए फिर इतना इधर का मौसम उसके लिए ठीक नहीं है। ये हमारा बहुत पुराना ट्री है, ये एप्पल का ट्री है हमारा। और इसमें अभी थोड़े कम लगते हैं क्योंकि ये अभी मेरे ख्याल में बूढ़ा हो गया, तो इसमें ज़्यादा जो एप्पल नहीं लगते हैं। पहले इसमें बहुत एप्पल लगते थे, अभी नहीं लगते। ये देखें ऊपर आसमान भी कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। मौसम आज मौसम ठीक है वैसे इधर का। और ये जो आवाज़ आ रही है ना ये हमारे इधर
नेक्स्ट डोर हैं या उधर हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आवाज़ जो है ना अंदर आ रही है वीडियो में। ये पेड़ की ट्री है, तो व्यूअर उम्मीद है आप मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। तो ठीक है व्यूअर, आप मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। वैसे मैं अभी ज़्यादा नहीं कहती हूँ, क्योंकि आपकी मर्ज़ी होती है आप शेयर करें या सब्सक्राइब करें, आपकी मर्ज़ी होती है। पर चलो आज मैंने सोचा फिर मैं कह देती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।